एक लड़की पिछले 4 दिनों से लगातार शारीरिक संबंध बना रही थी और चिकन की पार्टी और शराब की पार्टी किया करती थी। तभी क्या होता है, उस लड़की की अचानक हो जाती है मौत, क्योंकि जो लड़का उसके साथ संबंध बना रहा था वह उसके कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े करके उसको बोरे में भरकर ट्रेन की पटरियों पर बिखेर आता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश के एक रेलवे ट्रैक की, जहां पर एक महिला के कटे हुए अंग रेलवे ट्रैक पर फैले हुए पड़े होते हैं। आस पड़ोस के लोगों को पता चलता है तो वह परेशान हो जाते हैं और फिर पुलिस के पास फोन किया जाता है। पुलिस उस ट्रैक पर पहुंचती है और आकर के देखती है कि एक महिला के अंग कटे हुए इधर उधर पड़े हैं। पुलिस उन अंगों को समेटती है और उनको पोस्टमार्टम के लिए उस डेड बॉडी को भेज दिया जाता है। अब पुलिस पता लगाने में जुट जाती है आखिर यह महिला कौन है और इसको किसने काटा है। दोस्तों, पुलिस आस पड़ोस में पूछताछ करती है लेकिन पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता है। तभी पुलिस उस स्टेशन के CCTV कैमरों को खंगालती है तो वहाँ से पुलिस को दिखाई पड़ता है कि स्टेशन में ही काम करने वाला एक व्यक्ति, जिसका नाम है राम प्रकाश, जिसकी उम्र है 40 साल, वह बोरी को लेकर के रेलवे ट्रैक पर जा रहा है। सर पर बोरी रखी हुई है और रेलवे ट्रैक की तरफ जा रहा है, यह स्पष्ट उनको दिखाई दे जाता है। अब दोस्तों, वहीं पर राम प्रकाश खड़ा हुआ होता है तो पुलिस उससे पूछती है कि भाई तुम क्या ले जा रहे थे बोरी में। तो राम प्रकाश कहता है कि साहब, मेरे पास बहुत सारा कूड़ा करकट था, उसको फेंकने के लिए गया था। पुलिस ये कहती है कि हाँ ठीक है, कुछ काम धंधे के लिए कुछ सामान होगा, कूड़ा करकट होगा, ठीक है, उसको फेंकने के लिए गए होंगे। लेकिन पुलिस ये कहती है राम प्रकाश से कि हमें तुम एक बार अपना कमरा जरूर दिखा दो। तो पुलिस उसके कमरे पर जाती है तो वहाँ जाकर बारीकी से जब निगाह मारती है तो देखती है कि उस कमरे के अंदर टूटी हुई चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं और यह वही चूड़ियों के टुकड़े थे जो चूड़ियाँ उस डेड बॉडी की कलाइयों में थी। दोस्तों, पुलिस अब राम प्रकाश को अच्छी तरह से पूछताछ के लिए बुलाती है और राम प्रकाश से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो राम प्रकाश सारी घटना बताता है। कहता है, साहब इस रेलवे स्टेशन पर एक भिखारिन महिला घूम रही थी, वह इधर उधर से मांग कर खा लेती थी, अपना गुजारा कर रही थी। मैं उसके पास बैठ जाया करता था, उससे बातें किया करने लगता था, तभी मैं उसको अपनी बातों में फंसा लेता हूँ और उसको अपने कमरे पर ले जाता हूँ। अपने क्वार्टर पर मैं उसके साथ शराब पीता हूँ, उसको भी पिलाता हूँ, चिकन की पार्टी की जाती है और फिर मैं उसके साथ संबंध बनाता हूँ। इसी तरह से दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन भी यही पार्टी चलती है। इसी तरह से 3-4 दिन गुजर जाते हैं, 4 दिन टोटल वहाँ पर गुजर जाते हैं। 4 दिन गुजरने के बाद मुझे बहुत सारा काम था स्टेशन पर, मैं उससे कहता हूँ कि अब तुम जाओ, मुझे काम करने दो। लेकिन वह महिला जाने के लिए तैयार नहीं हुई, वह कहती है मुझे पैसे दो। मैंने कहा कि पैसे किस बात के चाहिए तुम्हें, तो महिला कहती है राम प्रसाद से कि मैं तुम्हारे पास 4 दिन रही हूँ और हर एक दिन के 10,000 रुपये मेरे होते हैं। दोस्तों, वह जो स्टेशन मास्टर होता है, वह जो राम प्रकाश होता है, वह बौखला जाता है क्योंकि उसकी इतनी औकात नहीं थी कि उसको 4 दिन के 40,000 रुपये दे दे। वह उससे कहता है कि नहीं, मेरे पास 40,000 रुपये नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से दूँ। तो वह महिला जो होती है वह उससे कहती है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं बाहर जाकर सभी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारे बारे में बता दूंगी कि यह मुझे पैसों पर लेकर आया था और इसने 4 दिन के मेरे साथ रेप किया है और इसने मुझे पैसे नहीं दिए हैं और तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। दोस्तों, इस बात से राम प्रसाद डर जाता है और फिर वह दिमाग को चलाने लगता है, फिर वह मन ही मन अपने दिमाग को चलाने लगता है। वह सोचने लगता है कि इस औरत का रास्ता साफ होना चाहिए, ना ही मेरे पास पैसे हैं और पैसे नहीं दूंगा तो यह मेरी बदनामी कर देगी। तभी दोस्तों, वह बाहर से एक कुल्हाड़ी लेकर जाता है और कमरे की कुंडी को अंदर से लगाकर उस औरत के ऊपर कुल्हाड़ी से वार करने लगता है। वह औरत चीखती रहती है, तड़पती रहती है और कहती है कि अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो। लेकिन राम प्रसाद कहाँ मानने वाला था, वह कुल्हाड़ियों से इतने वार करता है कि वह औरत थोड़ी देर में तड़प तड़प कर मर जाती है। उसके बाद वह औरत की डेड कटे हुए हिस्सों को उठा करके बोरे में भरकर रेलवे पटरियों पर दूर ले जाकर उसको डाल आता है और समझता है कि अब लोग ये समझेंगे कि इसने आत्महत्या की है। लेकिन दोस्तों, होनी को जो मंजूर होता है वही होकर रहता है। उसके बारे में सारी जानकारी पुलिस को मिल चुकी थी, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल में भेज दिया जाता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे क्या कहना चाहोगे, यहाँ पे मेरे हिसाब से तो लालच इस कहानी में सबसे बड़ा लालच रहा, लालच की अहम भूमिका रही है इस कृत्य को करवाने में। जो वह व्यक्ति था राम प्रकाश, उसको भी लालच था उस औरत के साथ संबंध बनाने का और उसके बाद उस औरत को, जो भिखारिन औरत थी, उसको भी लालच जाग उठा था राम प्रकाश से पैसे ऐंठने का और लालच के वशीभूत होकर यह घटना घटी है। तो दोस्तों, लालच अपने जीवन में कभी भी ना करें और पहले से कदम ही ऐसे सोच करके उठाएं कि जो जीवन के अंदर कोई ऐसा मोड़ ना आए जहां पर आपको किसी की जान लेनी पड़ जाए या फिर अपनी जान देनी पड़ जाए। अपने जीवन को संभाल कर चलें,
अच्छे से चलें, कभी भी लालच में ना फंसे। कहते हैं लालच बहुत बुरी बला है, वो इसीलिए लालच बहुत बुरी बला है, जो लालच करते हैं लोग वो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट उनको भुगतना पड़ता है, जैसा कि इस घटना में हुआ। तो यहाँ पे आप क्या कहना चाहते हो, क्या राम प्रकाश ने सही किया था उस औरत को रास्ते से हटा दिया क्योंकि वह पैसे मांग रही थी, या फिर राम प्रकाश की भी गलती थी, उसने भी फायदा उठाया था एक मजलूम और एक बेबस और बेसहारा औरत का, और या फिर उस औरत की गलती थी, वह चाहती थी कि कोई मुझे फंसाए और फिर मैं उससे पैसे मांगूं। किसकी गलती आपको लगती है, किसकी गलती नहीं लगती, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे अगर आप हमें शेयर करते हैं, और यह हमारे ऊपर आपका बहुत बड़ा ऋण होगा, उपकार होगा। तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाएँ। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।